इंडिया 24x7 लाइव टीवी, आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। दिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। झारखंड में राहुल गांधी के बयान पर चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट। कैब और एनआरसी के खिलाफ आज कोलकाता में ममता बनर्जी की रैली। मुंबई के जामिया छात्रों के समर्थन में TISS के छात्रों ने क्लास बहिष्कार किया। दिल्ली में जामिया में कपड़े उतार कर एक छात्र ने किया धरना प्रदर्शन। जामिया में हिंसा की BSP अध्यक्ष मायावती ने न्यायिक जांच की मांग। लखनऊ के CAA के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे AIMIM के कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज। 15 सालों से अवैध रूप से लखनऊ में रह रही पाकिस्तान की महिला पर केस दर्ज। दिल्ली में आज मौसम का सबसे ठंडा दिन पारा 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। केरल के CM CAA के खिलाफ आज करेंगे प्रदर्शन। PM नरेंद्र मोदी ने कहा, विजय दिवस पर भारतीय सैनिकों के साहस, शौर्य और पराक्रम को नमन करता हूं। दिल्ली में सभी मेट्रो स्टेशन खुले, लोगों की आवाजाही सामान्य। झारखंड विधानसभा चुनाव में चौथे चरण के लिए मतदान शुरू। चुनाव आयोग ने झारखंड के गोंडा और साहिबगंज में राहुल गांधी द्वारा दिए गए भाषण की मांगी रिपोर्ट। उत्तराखंड में अगले 4 दिन तक शीतलहर का कहर, येलो अलर्ट जारी। AISA ने कहा कि जामिया के छात्रों के समर्थन में परीक्षाओं का बहिष्कार करे DU के छात्र। झारखंड विधानसभा चुनाव में चौथे चरण के लिए थोड़ी देर में शुरू होगी वोटिंग। दिल्ली पुलिस ने कहा, कालकाजी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने से रिहा किए गए जामिया के सभी छात्र। पुलिस ने कहा कि जामिया मिलिया इस्लामिया के 50 छात्रों को हिरासत में लिया गया था। जामिया हिंसा में पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन के बाद हटे छात्र। दिल्ली में अल्पसंख्यक आयोग के आदेश के बाद जामिया मिलिया के सभी 35 छात्रों को पुलिस ने छोड़ा। UP के पुलिस महानिरीक्षक लॉ एंड ऑर्डर बोले, पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी तरह शांति। बांग्लादेश के गाजीपुर में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, अब तक 10 लोगों की मौत। CAA मामले में असम में अब तक 4 लोगों की मौत, 175 गिरफ्तार, 1460 हिरासत में। जामिया हिंसा को लेकर प्रियंका गांधी का ट्वीट, कहा कायर है BJP सरकार। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग में जामिया मिलिया के घायल छात्रों को फौरन रिहा करे पुलिस। MU में बवाल के बाद अलीगढ़ के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल सोमवार को किए गए बंद। जामिया हिंसा पर बोली प्रियंका गांधी, विश्वविद्यालयों में घुसकर छात्रों को पीटा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जामिया हिंसा के बाद DIG समेत अन्य पुलिस अधिकारी पहुंचे AMU, 10-15 लोग हिरासत में लिए गए। कांग्रेस ने कहा, जामिया बवाल पर PM मोदी कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते। कांग्रेस बोली, अब मोदी सरकार को जगाने का वक्त है। CAA पर हंगामा, अलीगढ़ के बाद सहारनपुर में भी इंटरनेट सेवा बंद। ओवैसी बोले, दिल्ली पुलिस बताए बर्बरता में कितने लोग जख्मी हुए। लखनऊ के नदवा कॉलेज में छात्र फिर सड़क पर उतरे, नागरिकता संशोधन एक्ट को लेकर विरोध। सैकड़ों छात्र विरोध में प्रदर्शन कर रहे। दिल्ली में भारी बवाल के बाद कैंपस छोड़ने लगे जामिया के छात्र। नेपाल में भीषण बस एक्सीडेंट, 14 लोगों की मौत, 19 घायल। नागरिकता कानून का वो प्रावधान जिस पर सबसे ज्यादा है घमासान। नागरिकता कानून पर सड़क के साथ कानूनी लड़ाई, आज CJI के सामने आ सकता है केस। बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर कोहरे का कहर, कोहरे के कारण आपस में टकराए 3 ट्रक, ट्रकों ड्राइवर सहित आधा दर्जन लोग घायल। बलरामपुर में जिले में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई, संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात। जिला प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील। लखनऊ में UP के 6 जिलों में हाई अलर्ट जारी। अलीगढ़, मेरठ, कासगंज, बुलंदशहर, सहारनपुर, बरेली में धारा 144 लागू। अलीगढ़ और मेरठ में इंटरनेट सेवाएं भी बंद। अमेठी में स्मृति ईरानी स्वास्थ्य मंत्री करेंगे स्वास्थ्य बक्चे, स्वस्थ अमेठी की शुरुआत। 29 PHC 2 CHC पर लगेगा स्वास्थ्य कैंप, बच्चों को निःशुल्क जाँच और इलाज होगा मुफ्त। लखनऊ में बेसिक शिक्षा परिषद में बड़े होंगे बदलाव, सालों से जमे लिपिकों को हटाने की तैयारी। हमीरपुर में घरेलू कलह में महिला ने आग लगाकर की आत्महत्या। लखीमपुर में बिजली विभाग की लापरवाही से गिरा तार, तार की चपेट में आने से मोर की हुई मौत। पाक के आबिद अली का कारनामा, टेस्ट और वनडे डेब्यू में शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज। जामिया हिंसा पर बोली कोंकणा सेन, हम स्टूडेंट्स के साथ हैं। साउथ इंडस्ट्री में जानवी कपूर का डेब्यू, साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के संग आएंगी नजर।
महोबा में अनियंत्रित ट्रक ने रोडवेज बस को मारी टक्कर, एक दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से हुए घायल। तो ये थी इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार।